अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? लास्ट ईयर जब एप्पल ने आईफोन 12 की लाइनअप को रिलीज़ किया तो आपको पता है कि वो सारे का सारा जो इवेंट था वो 2 से 3 माह तक वो प्रोलॉन्ग हो गया था। यानी सितंबर में जो नॉर्मली एप्पल का इवेंट होता था और एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स को कुछ मार्च में और कुछ सितंबर में रिलीज़ करता था, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक वो इवेंट जो था वो सितंबर से लेके अक्टूबर तक गया और वहाँ से नवंबर तक भी आपको पता है कुछ प्रोडक्ट्स थी उनको रिलीज़ करना पड़ा एप्पल को। यानी एप्पल की अगर प्रोडक्ट हिस्ट्री को देखा जाए तो ये एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम था जिसमें एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट को रिलीज़ किया। लेकिन इस साल कुछ ऐसी र्यूमर्स सामने आ रही हैं कि एप्पल जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स करेगा सितंबर के अंदर। यानी कि पिछले साल की तरह ये इवेंट जो होंगे वो डिफरेंट मंथ तक नहीं जाएंगे। रिसेंटली डिजी टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है, ये सुनने में आ रहा है कि एप्पल के ये जो इवेंट्स होंगे ये मल्टीपल इवेंट्स होंगे जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एप्पल रिलीज़ करेगा। अब एप्पल की जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आईफोन 13 की लाइनअप है, एप्पल वॉच सीरीज 7 है, इसके अलावा आईपैड मिनी और आईपैड 9 जनरेशन भी शामिल हैं, और न्यू मैकबुक प्रोस के मॉडल हैं जिसमें एप्पल अपनी 14 इंच और 16 इंच मैकबुक प्रोस के जो मॉडल विद एप्पल सिलिकॉन चिप के साथ उसको रिलीज़ करेगा। यानी आपको पता है कि लास्ट ईयर M1 जो चिप एप्पल ने अपनी उसको डेब्यू किया था, इस साल M1X यानी कि उसी को फर्दर इम्प्रूव करके हमें मैकबुक प्रोज में वो मिल सकती है। तो ये बेसिकली जो सारी प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को एप्पल अपने इन्हीं मल्टीपल इवेंट्स में रिलीज़ करेगा। अब इसके बारे में जो डिफरेंट र्यूमर्स हैं, डिफरेंट न्यूज़ सामने आ रही हैं, उसमें कुछ ये सुनने में आ रहा है कि एप्पल के ये जो इवेंट है इसको हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, कहीं पे इसको 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है और कहीं पे इसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। जहां पे इन इवेंट्स को 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है वहां पे ये बात की जा रही है कि ये इवेंट जो होंगे ये वीकली बेसिस पे होंगे। यानी फर्स्ट वीक में आईफोन 13 की जो लाइनअप है एप्पल उसको अनवील करेगा, उसके बाद एप्पल वॉच सीरीज 7 और इसके साथ एक्सपेक्टेड है एयरपॉड्स का जो 3rd जनरेशन है उसको रिलीज करेगा। 3rd इवेंट में एप्पल अपने आईपैड्स, आईपैड मिनी और 9th जनरेशन के जो आईपैड्स हैं उनको रिलीज़ करेगा। आईपैड मिनी के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि इसके बारे में कौन सी मेजर लीक्स आ रही हैं, कौन सी न्यूज़ आ रही हैं इसके रीडिज़ाइनिंग के ऊपर। और इसके साथ साथ एप्पल कुछ अपनी जो हर साल अपनी सर्विसेज में रेनोवेशन लेके आता है, न्यू सर्विसेज लेके आता है, उसके बारे में बात करेगा। और जो इसका 4th इवेंट होगा उसमें एप्पल के जो न्यू मैकबुक प्रोज के जो मॉडल हैं जिसमें 14 इंच और 16 इंच मॉडल जो हैं उनके बारे में बात की जाएगी। स्पेशली उनमें जो M1X चिप जो है, जो पिछले साल जो M1 चिप थी उसका नया वर्जन जो है बेसिकली उसको मुतारिफ करवाया जाएगा। ये बेसिकली 4 इवेंट्स होंगे। अब बहुत सारे लोग इस बारे में बात करें कि ये 4 इवेंट को वीकली बेसिस पे इस तरीके से एप्पल जो कंडक्ट करवाना एप्पल के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारी प्रोडक्ट को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जिन न्यूज़ में इन इवेंट्स को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है वहाँ पे ये स्पेकुलेशन है कि एप्पल अपने फर्स्ट इवेंट में आईफोन 13 की जो लाइनअप है उसको रिलीज़ करेगा और उसके साथ साथ एप्पल वॉच सीरीज 7 और एयरपॉड्स 3rd जनरेशन को एप्पल लॉन्च करेगा। सेकेंड इवेंट जो होगा उसमें एप्पल के जो आईपैड्स हैं न्यू उनकी बात होगी, साथ साथ उसके जो एप्पल सर्विसेज की बात होगी, और 3rd इवेंट में एप्पल अपनी मैकबुक प्रोज को रिलीज़ करेगा। लेकिन जहां पे इन्हीं इवेंट्स को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है वहां पे ये बात है कि एप्पल फर्स्ट इवेंट में अपने आईफोन 13 की लाइनअप और उसके साथ साथ एप्पल वॉच सीरीज 7 और इसके साथ साथ एयरपॉड्स 3rd जनरेशन, ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं एप्पल अपने एक इवेंट में लॉन्च करेगा। सेकेंड इवेंट में ये होगा कि आपके जो आईपैड की जो लाइनअप है यानी 9th जनरेशन और आईपैड मिनी जो रीडिजाइन है उसके बारे में एप्पल बात करेगा और कुछ एप्पल सर्विसेज के बारे में भी बात होगी, जबकि जो मैकबुक प्रो का जो इवेंट है वो बाद में हमें अक्टूबर या नवंबर में हमें देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली सारी स्पेकुलेशंस हैं एप्पल के मल्टीपल इवेंट्स को लेके। अब इन सारे मल्टीपल इवेंट्स की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ कंफर्मेशन हमें ब्लूमबर्ग के जो फेमस जर्नलिस्ट हैं मार्क गर्मन, जो एप्पल के लीक्स के बारे में काफ़ी मशहूर हैं, उनसे भी ये कंफर्मेशन देखने को मिली है कि उनके मुताबिक एप्पल सितंबर में अपने मल्टीपल इवेंट्स करेगा। लेकिन अपनी न्यूज़ में उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि इन सारे सितंबर इवेंट को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा, यानी कितने टोटल इवेंट्स होंगे, लेकिन ये बात कंफर्म कही गई है कि एप्पल अपने सितंबर में मल्टीपल इवेंट्स करेगा जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एप्पल लॉन्च करेगा। अब इन मल्टीपल इवेंट्स को अगर हम पॉजिटिवली देखें तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को इकट्ठा लॉन्च करते हैं तो वहां पे जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं, यानी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिपोर्टर्स को फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है डिफरेंट प्रोडक्ट को कि पहले वो किसको सामने लेके आएंगे, और उसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो यूजर के लिए इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, उनको प्रॉपर कवरेज नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां पे जब एप्पल अपने
मल्टीपल इवेंट्स करेगा और हर इवेंट में कुछ प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगा, तो रिपोर्टर्स के पास प्रॉपर एक टाइम होगा जिसमें वो हर प्रोडक्ट को प्रॉपर टाइम दे सकेंगे, उसको प्रॉपर उसके बारे में अपना ओवरव्यू दे सकेंगे, और इससे एक आम यूजर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जिसपे वो प्रॉपर अपना फीडबैक भी दे सकेगा। इन सब इवेंट्स का सितंबर में होने का एक और बेनिफिट ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि रिसेंटली सारे स्कूल ओपन हो गए, तो जितने बच्चे भी स्कूल जाएंगे उनके लिए नया आईपैड काफ़ी अट्रैक्शन का बायस बनेगा। आईपैड के साथ साथ जो मैकबुक प्रोज के मॉडल हैं वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव साबित होंगे, और एप्पल के लिए अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एप्पल अगर सितंबर में आईपैड के नए मॉडल रिलीज़ करता है और इसके साथ साथ मैकबुक प्रोज के नए मॉडल रिलीज़ करता है तो ये एक आम स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा। इस तरह से इवेंट करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि एप्पल के सामने एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है जहाँ पे एप्पल अपनी प्रोडक्ट को रिलीज़ करता है, तो समटाइम ऐसी प्रोडक्ट जिसके लिए एक आम यूज़र के लिए इतनी तवज्जो नहीं होती वो प्रोडक्ट भी उनकी नज़र में आ जाती है। इसकी मिसाल हमें 2019 के इवेंट में मिलती है जहां पे एप्पल ने अपनी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट के साथ एप्पल आर्केड को भी रिलीज़ किया था। सो मैक रूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त 2 मिलियन पीपल थे जिन्होंने प्रॉपर वो इवेंट देखा था। सो अगर वो वैसे इवेंट ना होता तो शायद एप्पल आर्केड को आज ज़्यादा लोग ना जानते होते। सो बेसिकली इस तरह से इवेंट करने का फ़ायदा ये भी होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो इतनी ज़्यादा मार्केट डिमांड में नहीं होती या लोगों के लिए इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती उनको भी प्रॉपर दूसरों के सामने लाया जा सकता है। अब इन सारी बातों के अलावा कुछ लोगों का मानना ये भी है कि लास्ट ईयर जो कोविड पैंडमिक की वजह से एप्पल को अपना सारा स्केड्यूल चेंज करना पड़ा तो ये बेसिकली ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट स्केड्यूल में रिलीज़ करोगे तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा प्रोडक्ट के बारे में बताने का, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को गाइड करने का, यानी कि हर बंदे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल होती है, रादर देन कि आप एक ही इवेंट में सारी प्रोडक्ट्स को रिलीज़ कर दो और एक ही घंटे या 2 घंटे की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें सब कुछ बता दो, तो बहुत सारे लोगों के लिए जो मेन जो प्रोडक्ट्स होती हैं बस वही अट्रैक्टिव होती हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इस साल भी अगर एप्पल अपने डिफरेंट इवेंट्स में सारी प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करता है तो ये बेसिकली एक आम यूज़र के लिए और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इवन कि कंपनी के लिए इटसेल्फ ये बेनिफिशियल है। सो ये बेसिकली ओवरऑल लीक्स एंड रूमर्स हैं जिनका ताल्लुक सितंबर 2021 यानी नेक्स्ट मंथ से हैं। नेक्स्ट मंथ एप्पल के लिए और एप्पल यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मंथ में हमें बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगी और तकरीबन सारी ही फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, सारी ही मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट हैं एप्पल की, जो कि आपको पता है कि अगर हम मैकबुक प्रोज की बात करें तो एप्पल का जो लास्ट मॉडल आया था 2019 में आया था। इसके अलावा जो मेन हमारी अट्रैक्शन है वो iPhone 13 की सीरीज और Apple Watch सीरीज 7 है। ये सारी प्रोडक्ट्स हमें नेक्स्ट मंथ सितंबर में देखने को मिलेंगी। लेट्स सी ये स्केड्यूल किस तरीके से होता है। रूमर्स के मुताबिक तो जो सुनने में आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो चेंजिंग्स हैं फाइनली फिर वो हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेंगी। सो गाइज ये था आज का ओवरऑल वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पीस।